आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी है लेकिन उतनी ही आसान मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पे बनाएंगे और जिसको बनाने में मात्र 15 मिनट लगेगा। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने कुछ वेजेस लिए हैं, जैसे कि मटर छेमी आजकल बहुत अच्छा आ रहा है वो लिया है, गाजर मैंने लिया है, और देखिए पास्ता को पहले से बॉईल करके रख लिया था, और यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च लिया है। अब इसको आप दो तरीके से काट सकते हैं, देखिए मैं दोनों तरीके से दिखा रही हूँ, चाहे तो आप इस तरह से गोल गोल कट कर लीजिए, इतनी पतली बारीक होनी चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे बीच से कट करके और आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। गाजर देखिए दिखने में जितना हार्ड होता है ना, पकने में उतनी ही आसानी से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और ये पक जाता है। तो वेजेस आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप उसे काट दीजिए, और अगर आपके पास में कोई वेजेस ऐसी है जो नहीं अवेलेबल होती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए मैंने पास्ता के लिए गाजर मटर छेमी शिमला मिर्च लिया, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल था, और इसको अच्छे से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च काटने की एक बहुत ही आसान से ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये वाली जो ऊपर वाली पार्ट होती है ना, इसको यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें कोई एक तो ये टेस्टलेस होता है और ये बीजेस के कोई काम के नहीं होते, बस इसको आप निकाल लीजिए। इसको भी आप बारीक जिस तरह भी कट करना चाहें आप कट कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको ढेर सारा थैंक्स बोल सके। पिछला वीडियो का थैंक्स जाता है अमन जी को, जो कि बिहार से है। अच्छा, कुछ लोगों के लाइव स्ट्रीम जो मैंने किया था उसमें कुछ लोगों को मैंने कमिटमेंट किया था कि उनका लिंक, जो चैनल का लिंक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप लोग जाके वहाँ पर चेक करना, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो बस आप सिंपली जितना भी आप कर सको बारीक अपने सब्जियों को उतना बारीक कर लो। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग करके दिखा दिया है, और देखिए हमारा पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका था। पास्ता को बॉईल करना भी बहुत इजी है, सिर्फ पानी में क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा तेल नमक डालकर उसको पास्ता को थोड़ा बॉईल कर लेंगे। जब पास्ता हमारा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो उसको ठंडे पानी से किसी छन्ना में निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा पास्ता एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। तेल डालना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने लिया था एक प्याज, प्याज भी इसके इस रेसिपी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा टेस्ट लाता है। अगर आपके पास में कोई भी सब्जियाँ ना हो, कभी ऐसा तो कभी होता नहीं है, बट अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास कोई सब्जियाँ अवेलेबल ना हो, तो हम लोग सिर्फ प्याज के साथ में पास्ता को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही यम्मी होता है। मेरे ट्रिक से अगर आप ये पास्ता को बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी पास्ता की रेसिपी रेस्टोरेंट टाइप घर पे ही मिल जाएगी। और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किया है तो प्लीज़ आप एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, और कमेंट करके हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बातों ही बातों में हमारी सब्जियाँ कट चुकी थी, अब हम लोग यहाँ पर बनाने की प्रोसेस पर आते हैं। तो बनाने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पर कोई भी आपके पास में कढ़ाई है, नॉन स्टिक जो भी कढ़ाई है, आप इसको गर्म कर लीजिए, और पास्ता की क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे तेल ऐड कर दीजिए। मेरे पास लगभग 250 ग्राम पास्ता था जिसको मैंने बॉईल किया था, मुझे 6 लोगों के लिए बनाना था इसलिए मैंने 250 ग्राम पास्ता बॉईल किया, जिसमें मेरा इतना तेल लगा है, कम से कम 3 बड़ा चम्मच तेल लगा है। स्टार्टिंग में जितने भी कटिंग जो आपके सब्जियाँ थे उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और इसको 10 मिनट थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। 5 मिनट आपको सब्जियों को काटने में लगेगा और 10 मिनट आपको ये सब कुछ कुक प्रोसेस में लगेगा। और देखिए यहाँ पे जब सब्जियाँ यहाँ पे अपना मॉइस्चर छोड़ देंगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हम लोग यहाँ पे मटर को ऐड कर सकते हैं। मटर को आप पास्ता के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मटर बहुत सॉफ्ट चाहिए तो, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप नमक डालेंगे ना, तो फिर ये सारा चीज़ सॉफ्ट ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे नमक को ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक ऐड करने से क्या होगा कि सब्जियाँ और भी अच्छे से पक जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर को ऐड नहीं किया है इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टमाटो सॉस यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप टमाटो सॉस नहीं यूज़ करेंगे देन आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर की जो सॉस थी, टमाटो सॉस थी, वो यूज़ किया है और टमाटर को स्किप किया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियों ने थोड़ा बहुत अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया था और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, जो भी हमारा पास्ता है वो यहाँ पे ऐड कर देना। देखिए इस तरह से इसलिए हुआ क्योंकि ये पास्ता हमारा ठंडा हो चुका था, लेकिन देखिए कितनी ही आसानी से ये एक दूसरे से अलग भी हो गया, चिपका हुआ नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास्ता भी इस तरीके से अलग अलग दिखे या अलग अलग रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पास्ता को ठंडे पानी में से धोना होगा, ज़रूर धोना होगा, तभी आपका पास्ता इस तरह से बिना चिपके रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस का यूज़ किया है, जो भी आपके पास टमाटो सॉस हो आप उसको यूज़ करो। और इसको और भी चटपटा अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो, या फिर जो पिज्ज़ा सॉस आता है वो भी ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने से क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा एक चटपटा सा स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर हम लोग टमाटो सॉस वगैरह यूज़ करेंगे तो नमक का हम लोगों को ध्यान रखना है, नमक हम लोग को ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको चलाएंगे। ये 90% कुक हो चुका है, जब हमारा ये 90% कुक हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे पास्ता मसाला को ऐड कर देंगे। पास्ता मसाला बहुत ज़रूरी है, बिना पास्ता मसाला के पास्ता हल्का भी लगता है। और अगर कभी पास्ता मसाला ना हो तो आप चिली सॉस, टमाटो सॉस और वेनेगर, ये तीन चीज़ ऐड करके बनाओगे तो वो स्वाद आ जाएगा। और उसके साथ में आप थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और कुटी हुई जीरा पाउडर, जीरा को लेंगे तो फिर वो पास्ता मसाला की थोड़ा सा कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ के लिए बना है उसमें अगर वही चीज़ यूज़ हो तो बेटर होता है। बस थोड़ा सा इसको अलट पलट के आप चला लीजिए और देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। मतलब ये पास्ता दूर से देखने में ही इतना टेस्टी है और बहुत डिलीशियस है। ये मैं आपको देखिए सामने से दिखाती हूँ ये कितना अच्छा, एक तो अलग अलग है, सब्जियाँ भी दिख रही है, हमारा पास्ता भी दिख रहा है, और ये टेस्ट के में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे आप यहाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बाउल में आपने ट्रांसफ़र कर लिया तो फिर यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।